आए हैं तो पंडाल हॉपिंग तो जरूर करेंगे। उधर ही है तो इसीलिए थोड़ा सा चल के हम लोग बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करेंगे। तो अभी अचानक प्लान हुआ कि हम लोग जाएंगे श्री भूमि, जहाँ Hi friends, welcome to a brand new vlog. आज की vlog है तृतीया special और आज की vlog में आप जो मुझे देखेंगे, मैं 10 दिन के बाद घर से बाहर निकली हूँ और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी, इसीलिए vlog भी बहुत दिन से मैं दे नहीं पा रही थी। तो आप देखोगे तो मुझे आपको पता चलेगा मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैक्सिमम जो कैमरा है वो ए बी ही कर रही थी। दुर्गा पूजा 2023 अभी भी हम लोगों की शॉपिंग चल रही है और यहाँ पे हम आए हैं गड़िया हाट में, त्रिधारा थे ना, तो त्रिधारा में हम सोचा कि फर्स्ट यहीं पे पंडाल हॉपिंग शुरू करते हैं। ऐसा सच कोई प्लान नहीं है लेकिन फिर भी आए हैं तो पंडाल हॉपिंग तो ज़रूर करेंगे। तो चलिए 2023 में दुर्गा पूजा में हम लोग फर्स्ट पंडाल हॉपिंग करने जा रहे हैं, सो लेट्स गो। आज हम लोग आए थे गड़िया हाट में भगवान जी के लिए पोशाक खरीदने और ए बी का कुर्ता लेना था, तो वो सब खरीदने क्योंकि ये सब बाकी था। तो इसीलिए गड़िया हाट में ही त्रिधारा और पालीगंज कल्चरल बहुत ही दोनों फेमस पंडाल है और वो ओपन भी हो चुका था, तो इसीलिए ए बी को मैंने बोला कि चलो ये दोनों पंडाल हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग पंडाल हम लोगों ने देखा जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ¿Qué?
हम अपने काम के लिए आए थे और यहाँ पे दो दो बहुत ही फेमस दो पंडाल हम लोगों को देखने को मिला, वो भी एकदम मतलब खाली खाली, कुछ भी भीड़ नहीं था, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज दो दो पंडाल हॉपिंग हम लोग कर लेंगे, लेकिन हाँ कर लिए। तो चलिए अभी हम जहाँ पे हैं, ये हम लोग जो साईं बाबा मंदिर आते हैं हम उधर ही है, तो इसीलिए थोड़ा सा चल के हम लोग बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं। तो फुचका पानी पूरी नहीं खाए तो क्या किए, तो वो भी खाएंगे। तो चलिए आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर। ये देखिए बाबा की मंदिर हम आ गए इधर से चलते चलते, चलिए बाबा की दर्शन करते हैं। तो बाबा की दर्शन करके हम लोग घर ही जाने वाले थे, लेकिन अचानक हम लोगों ने प्लानिंग किया कि क्यों ना बाहर ही डिनर किया जाए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद हम बाहर निकले हैं। और फुचका मैं बिल्कुल नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरे अभी भी टेस्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए फुचका मैं बिल्कुल नहीं खा पाई। तो इसीलिए अभी ने बोला कि हम लोग चलिए बाईपास ढाबा चलते हैं और वहाँ पर जाके डिनर करेंगे। और उधर से बस 14-15 मिनट्स की दूरी में है श्रीभूमि कल्चरल्स, जिसका थीम इस साल है डिज्नीलैंड। तो सोचा कि क्यों ना वो पंडाल भी थोड़ा सा देख के आते हैं, उतनी दूर जा ही रहे हैं तो इसीलिए अचानक प्लानिंग हुआ। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बाईपास ढाबा, वहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद हम लोग श्रीभूमि जाएंगे। अभी तक हम लोगों को नहीं पता क्योंकि आज तृतीया है और वो इतनी रात में खुला रहेगा या नहीं, वो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, वहाँ पर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और बाईपास ढाबा हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं, यहाँ पर डिनर करेंगे। और ऑब्वियसली मेरे तो कोई स्वाद ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चाइनीज़ यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिन बाद मैं बाहर का खाना खा रही हूँ, ज़्यादा तो खा नहीं पाई लेकिन फिर भी ठीक ठाक लगा मुझे। थोड़ा सा खाना खाने के बाद मैं ठीक फील कर रही थी क्योंकि बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब भी लग रहा था। तो चलिए डिनर कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो डिनर हम लोगों की कंप्लीट हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीभूमि। श्रीभूमि जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे मतलब हम लोग पंडाल देख पाएंगे या नहीं, बिकॉज अभी तो 11 बज रहे हैं और बांदी के गिए मुना है तुम के ना के घंटे के डान दिख नहीं अभी नो राइट टर्न लिखा रहा है तो बंद हो तो तले ओ पीछुन दिख दी जीते हो बे पूजा के टाइम में कोलकाता में रास्ता थोड़ी बहुत रोड में इधर क्लोज उधर क्लोज, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीभूमि डिज्नीलैंड, देखते हैं कि मिनी कूपर पंडाल हॉपिंग सडनली हम लोगों का शुरू हो गया। अभी श्रीभूमि जा रहे हैं और हम लोगों को नहीं पता कि अभी जाके हम देख पाएंगे या नहीं, बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो डिनर तो हम लोग की हो गई है और बाकी देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे श्रीभूमि में, अगर देखने को मिलेगा तो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं श्रीभूमि और बहुत मेहनत के बाद एक छोटा सा जगह मिला हम लोगों को पार्किंग के लिए। बहुत मुश्किल हुआ पार्किंग मिलने में, तो फाइनली चलिए चलते हैं श्रीभूमि डिज्नीलैंड। फाइनली हम लोग देखने जा रहे हैं और गाड़ी
गाड़ी लेके मत आना, बिल्कुल मत आना। कोई भी कैब लेके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अवेल जरूर करना, गाड़ी लेके बिल्कुल मत आना। हम लोग आधे घंटे से इधर उधर घूम के फाइनली जगह हम लोग को बनाना पड़ा पार्किंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डिज्नीलैंड। और अभी टाइम है 11:43 आप देख सकते हो कितना क्राउड है। तृतीया के दिन इतना क्राउड, इसका मतलब पूजा के टाइम में कितना क्राउड होगा। तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग पहले ही देख लिए, ये वाला प्लानिंग हम लोगों का एकदम सही था। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम तो बहुत खुश है कि डे वन हम लोगों का पंडाल हॉपिंग सडनली शुरू हुआ, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। हम लोगों का प्लानिंग कल से है, चतुर्थी से। तो चलिए आज यहाँ से हम लोग सीधा घर ही जाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग कहाँ कहाँ पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं पूजा में डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज की व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। और पूजा स्पेशल व्लॉग्स देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई डिजिटल स्टोरीज एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज अंकिता जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। हैप्पी पूजा टू ऑल ऑफ यू।